आज हम आपको बताएंगे द स्टोरी ऑफ द बर्थ ऑफ रोल्स रॉयस, कैसे जन्म लिया दुनिया की एक बेहतरीन कंपनी रोल्स रॉयस ने 2020 के मुश्किल साल को गुड बाय कहने के लिए, और नए साल और नए दशक की शुरुआत के लिए हम एक इंस्पायरिंग स्टोरी लाए अपने व्यूअर्स के लिए दोस्तों, स्पेशली ऑन न्यू ईयर्स ईव। हमें यकीन है दोस्तों कि ये स्टोरी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी कि कैसे एक अमीर ब्रिटिश बिजनेसमैन मिस्टर चार्ल्स रोल्स ने एक गरीब अखबार बेचने वाले बच्चे के साथ कोलैबोरेट करके दुनिया की सबसे बेहतरीन कार कंपनी का निर्माण किया। हम रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि हमारे व्यूअर्स में से अगर किसी ने भी इस स्टोरी के बारे में सुना है या फिर वो जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रोल्स रॉयस की ब्यूटीफुल स्टोरी के पहले पात्र है मिस्टर चार्ल्स रोल्स। 1877 में लंदन के बर्कले स्क्वायर में एक पॉश सोसाइटी और रिच फैमिली में पैदा हुए थे मिस्टर चार्ल्स रोल्स। बढ़िया जगह स्कूलिंग करके इन्होंने द ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग खत्म की, और इनका गाड़ियों और रफ्तार के लिए जो शौक था दोस्तों वो पूरे इंग्लैंड में फेमस हो गया था। 18 साल की उम्र में ये इंजीनियरिंग में अपनी पर्सनल गाड़ी लेके घूमते थे दोस्तों, जब उस जमाने में साइकिल भी नहीं हुआ करते कॉलेज के बच्चों के पास। इतना प्यार था मिस्टर चार्ल्स रोल्स को गाड़ियों के लिए कि ब्रिटेन की सबसे पहली कार डीलरशिप मिस्टर चार्ल्स रोल्स ने पार्टनरशिप में अपने दोस्त के साथ शुरू की थी, और ये कंपनी फ्रांस से गाड़ियां इम्पोर्ट करके इंग्लैंड में बेचती थी। तो सेटल्ड लाइफ थी, सेटल्ड बिजनेस था, पर जैसे कि हर सक्सेसफुल इंसान की खासियत होती है दोस्तों कि जब तक वो पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं होते एक्सेलेंस से वो रुकते नहीं, और वैसा ही केस मिस्टर चार्ल्स रोल्स का था। अब हम बात करते हैं इस कहानी के हीरो की, सर फ्रेडरिक हेनरी रॉयस। 1863 में इंग्लैंड के एक गांव में पैदा हुए हेनरी रॉयस के पिताजी एक फ्लोर मिल चलाते थे, मतलब आटा चक्की चलाते थे। अपने पिताजी के 5 बच्चों में ये सबसे छोटे थे, और जब ये सिर्फ 9 साल के थे तब इनके पिताजी का देहांत हो गया था। बट जैसे कि सब जानते हैं दोस्तों कि जो दुनिया में कुछ सोच के आता है कि मैं ये करके ही जाऊंगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है, वैसे ही थे सर फ्रेडरिक हेनरी रॉयस। इतना इंटरेस्ट था उन्हें इंजीनियरिंग में कि उन्होंने अपनी आंटी से लोन लेकर, या कहो कि हेल्प लेकर, नदन रेलवे वर्क्स मतलब रेलगाड़ी और डिब्बे बनाने की एक कंपनी में छोटी मोटी नौकरी शुरू की जब वो सिर्फ 15 साल के थे। जीत तोड़ मेहनत करके और पढ़ाई करके इन्होंने काम करते करते अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स बढ़ाई। ऐसी कोई बड़ी डिग्री नहीं थी इनके पास जैसी मिस्टर चार्ल्स रोल्स के पास थी, और वो कहते हैं ना दोस्तों कि डिग्री से कुछ नहीं होता, स्किल और नॉलेज के सामने सारी डिग्रियां फेल है। तो वैसे ही स्किलफुल और एक्सट्रीमली नॉलेजेबल थे हेनरी रॉयस। धीरे धीरे मेहनत करके आगे बढ़े, और एक पार्टनर इन्हें मिल गया मिस्टर अर्नेस्ट क्लेयरमोंट में, जिनके साथ मिलके इन्होंने डायनामो और छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बनाने की कंपनी शुरू की, जिसका नाम था FH रॉयस एंड कंपनी। और 1903 तक इनके पास थोड़ा पैसा आ गया था कि ये अपना पैशन जो है कार्स उस पे इन्वेस्ट कर पाए, और तभी इन्होंने एक फ्रेंच ऑटोमोबाइल मेकर डिकोविल की एक कार खरीदी जो उस जमाने में बेहतरीन मानी जाती थी। पर सर फ्रेडरिक हेनरी रॉयस की एक प्रॉब्लम थी कि उनके स्टैंडर्ड इतने हाई थे कि उनको हर चीज अपने स्टैंडर्ड से छोटी लगती थी। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, स्टैंडर्ड्स और पैसों का कोई लेना देना नहीं होता, चाहे आपकी जेब में पैसे हो या ना हो, आपके खुद के स्टैंडर्ड्स आपके दिमाग में होते हैं। तो डिकोविल खरीद के सर हेनरी रॉयस इतने दुखी हो गए कि यार इस कार में तो कुछ है ही नहीं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जब सी कार है ही नहीं दुनिया में तो मैं बनाऊंगा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद गाड़ी बनाएंगे, और उन्होंने निकाली 3 कार्स। बोलने में आसान लगता है दोस्तों, बट बड़ी मेहनत से निकाली उन्होंने 3 गाड़ियां, और इत्तेफाक की बात यह है कि इनमें से एक इन्होंने बेची मिस्टर चार्ल्स रोल्स जो गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे थे उनके पार्टनर को, जिनका नाम था मिस्टर हेनरी एडमंड्स। अब यहां शुरू होता है दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कहानी का। मिस्टर हेनरी एडमंड्स को लगा कि क्यों ना कार बनाने वाले सर हेनरी रॉयस को कार इंपोर्ट करने वाले चार्ल्स रोल से मिलवाया जाए, और यहाँ हुई एक ऐतिहासिक मीटिंग 4 मई 1904 में मिडलैंड होटल में मैनचेस्टर में। ये जो होटल का आप फोटो देख रहे हो यही है मिडलैंड होटल। इस मीटिंग के बाद बनी दोस्तों दुनिया की सबसे बेहतरीन कार मैन्युफैक्चरर कंपनी रोल्स रॉयस। 1906 में रोल्स रॉयस कंपनी ने निकाली 6 सिलेंडर वाली सिल्वर घोस्ट, जो एक साल के अंदर पूरी दुनिया में द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड के नाम से जानी गई, क्योंकि वो एक्चुअली थी। और इसके पीछे का मेन रीजन था सर हेनरी रॉयस के हाई स्टैंडर्ड। उनकी एक बड़ी फेमस सेइंग है, वो कहते थे द क्वालिटी विल रिमेन व्हेन द प्राइस विल बी फॉरगॉटन, और इसी मोटो पे चली रोल्स रॉयस की मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों सारी मुश्किलों के बावजूद सर हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स ने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसने कभी पीछे मुड़के नहीं देखा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम पे मुश्किल आई तो सर हेनरी रॉयस ने एक एरो इंजन ही बना दिया अपने देश की एयरफोर्स के लिए। 1940 के दौर में तो उन्होंने द मर्लिन इंजन बनाया, जिसके बेसिस पे बैटल ऑफ ब्रिटेन जीता इंग्लैंड। बैटल ऑफ ब्रिटेन के बारे में आपको बता दे दोस्तों कि अगर इंग्लैंड वो हार जाता हिटलर से, हिटलर की एयरफोर्स से, तो आज दुनिया का इतिहास अलग होता।
और सर हेनरी रॉयस के इंजन से पावर्ड स्पिटफायर्स ने जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफा को धराशाही किया था। और एरो इंजिन्स के बेहतरीन निर्माण की वजह से वहां से शुरू हुआ रोल्स रॉयस कंपनी का एरो इंजिन्स और प्रोपल्शन का ऐसा बिजनेस जिसके कॉम्पिटिटर आज भी दुनिया में बहुत कम है। हम यकीन करते हैं दोस्तों कि चाहे वो पहली गाड़ी बनाना हो या फिर वो पहला एरो इंजिन बनाना हो या फिर आप कुछ भी सोच सकते हो, इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं दोस्तों कि नए वेंचर्स और नए बिगिनिंग्स का कोई एंड नहीं होता। जीरो से स्टार्ट करके रोल्स रॉयस ने दुनिया की सबसे बेहतरीन कार्स दी हैं दोस्तों, मतलब ऐसी गाड़ियां जो इमेजिन नहीं कर सकते थे लोग। और इतना ही नहीं, इसी कंपनी ने सक्सेस हासिल करके रुकना नहीं सोचा, रुकने का कभी नाम ही नहीं लिया रोल्स रॉयस और उनकी फिलॉसफी ने। जब वो गाड़ियों में अव्वल हो गए, दुनिया में बेस्ट हो गए, तो उन्होंने एरो इंजिन्स बनाए दुनिया के बेस्ट। और यही शिक्षा हमें मिलती है दोस्तों कि कभी रुकना नहीं है लाइफ में, देयर शुड ऑलवेज बी समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। और हम आशा करते हैं कि नए साल में ये नई स्टोरी सुनकर हमारे दोस्तों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा राइट टू शिक्षा को, ये मत भूलना दोस्तों, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। एंड हमारे सारे We wish a very happy new year and all the best for everything, जो भी नया स्टार्ट करने चाहते हैं या नई चीजों और नए सपनों को हासिल करना चाहते हैं 2021 और आने वाले दशक में। धन्यवाद।